एवरीवन, आई एम नेहा यादव फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल. दिस इज द फोर्थ चैप्टर, द ट्रेजर विद इन फॉर द क्लास 8 एंड पार्ट सेकंड. उसमें पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा डरते थे और उनके नाइटमेयर आते थे मैथमेटिक्स टेस्ट देने के लिए. वो पढ़ना नहीं चाहते थे, उनके कम ग्रेड्स आते थे, लेकिन एक बार उनके टीचर ने, प्रिंसिपल ने उसको काफ़ी कुछ सुना दिया, कुछ बोल दिया, तो वो बातें उनके दिल पे लग गई. जिस तरीके से जैसे तैसे करके उन्होंने बहुत मेहनत करी और फिर 50% ग्रेड उन्होंने 12th में हासिल कर लिए थे. तो अब ये पार्ट सेकेंड है, लेट स्टार्ट. हाफिज वॉज नॉट अलाउड टू जॉइन द आर्मी और द पुलिस फोर्स बाय हिज फैमिली. हाफिज को ये परमिशन नहीं दी गई उनके घर वालों की तरफ से कि वो आर्मी या फिर पुलिस फोर्स को ज्वाइन करे. उनकी मदर नहीं चाहती थी. हिज मदर वॉन्टेड हिम टू कम्प्लीट हिज ग्रेजुएशन. उसकी मदर चाहती थी कि वो अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट करे, स्नातक की जो डिग्री होती है वो उसको हासिल करे. सो ही गेट एडमिशन इन द जय हिंद कॉलेज बॉम्बे. तो उन्होंने बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज में अपना एडमिशन ले लिया. He went to his cousin daily to learn the French. वो अपनी cousin sister थी, उनके पास जाते थे French सीखने के लिए. Her husband was an architect. और उनके जो husband थे, उनकी बहन के husband जो थे, वो architect थे. Architect मतलब होता है वास्तुकार, जो कि किसी भी चीज़ की रूपरेखा को तैयार करता है. जैसे कि भवन, कोई बिल्डिंग होती है, उनका जो पहले स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है वो पहले पेपर पर तैयार किया जाता है, तो उनको आर्किटेक्ट करते हैं तैयार. देयर वन डे ही saw an architect designing a window wrongly. तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक आर्किटेक्ट था, वो एक विंडो को गलत तरीके से डिज़ाइन कर रहा था. ही said that it was a wrong design. तो उन्होंने कहा कि ये गलत डिज़ाइन है. His cousin's husband asked him to draw some specific designs. तो उनके जो हस्बैंड थे, उनकी कज़न के हस्बैंड, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कुछ अच्छे से डिज़ाइन बनाकर दिखा दो. ही ड्रॉ देम इमिडिएटली. और उन्होंने तुरंत ही वो काफ़ी सारे ड्राइंग के डिज़ाइन बना दिए. ही ऑल्सो डिज़ाइन ए हाउस. और उन्होंने एक हाउस भी डिज़ाइन कर दिया बहुत ही कम टाइम में. हर कज़न्स हस्बैंड वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड. और उनके जो कज़न के हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए इस बात से, बहुत ज़्यादा खुश हुए. ही एडवाइज हिम टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड टू ज्वाइन द आर्किटेक्चर. उन्होंने उनको एडवाइस दिया, सलाह किया कि तुमको सब चीज़ छोड़ छाड़ के आर्किटेक्चर बन जाना चाहिए, आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर लो. हाफिज अपियर्ड इन एंट्रेंस एग्जाम फॉर द आर्किटेक्चर्स एंड गॉट A+ ग्रेड. And from that he never looked behind. और हाफिज ने अपियर किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया आर्किटेक्चर का, जिसमें उनको A+ ग्रेड मिला, और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. ही गॉट फर्स्ट क्लास, फर्स्ट थ्रो आउट. और उनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ. ही हैड ए फ्रेंड कॉल्ड द बहरम दिविचा. और उनका एक फ्रेंड था जिसका नाम था बहरम दिविचा. दे यूज टू हैव द कॉम्पिटिशन बिटवीन दैम डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड द एम्यूनेशन. और उनके बीच में हमेशा कॉम्पिटिशन होता रहता था, प्रतियोगिता होती रहती थी. वो क्या डिज़ाइन करते थे, महल, किले, गन्स, बंदूकें, एम्यूनेशन, बहुत सारी चीज़ें होती थी जो कि वो डिज़ाइन करते रहते थे. टूडेज हाफिज इज़ इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट. हाफिज आज के टाइम में एक बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट हैं. He looks at the client's face, his clothes, the way he talks and the pronunciations. He was the way he eats and what his taste would be like. वो इंसान को, उनके जो क्लाइंट्स होते हैं उनका फेस देख के और उनके कपड़े देख के, वो किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से बोलता है, किस तरीके से खाता है और उनका टेस्ट क्या है, वो सब देख के समझ जाते हैं. ही ड्रॉज द स्केचेज ऑफ द बिल्डिंग्स ऑन द स्पॉट. और उनके बात करने के तरीके से, जिस तरीके से वो बता रहे होते हैं कि हमको ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, इतनी देर में वो उनको तैयार करके दे देते हैं, एक रॉ मटेरियल सा तैयार करके पेपर पे दे देते हैं. एंड देम टू स्टाफ फॉर द फाइनल ड्राफ्टिंग. और उनका जो स्टाफ होता है वो उसमें बाद में अच्छे तरीके से ड्राफ्टिंग करता है, मतलब कि जो रॉ चीज़ें होती हैं, जो जो मेन मेन चीज़ें होती हैं, वो ऑन द स्पॉट उनको बना के अपने स्टाफ को पकड़ा देते हैं. और बाद में स्टाफ उनमें छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उनको ऐड करके वो उनको अपने क्लाइंट को सौंप देते हैं. तो हाफिज आज के टाइम में एक लीडिंग आर्किटेक्चर है. तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में है, जो कि पढ़ाई में कभी भी अच्छे नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने जैसे तैसे करके अपना 12th क्लियर किया. और जब उन्होंने एडमिशन लिया अपने ग्रेजुएशन में, तो उनके जो जीजू थे, उनके जो बहन के हस्बैंड थे, उनकी सलाह से उन्होंने आर्किटेक्चर ज्वाइन किया, क्योंकि उनको काफ़ी इंटरेस्ट भी था और वो मिनटों के अंदर ही डिज़ाइंस बना देते थे. और जब से उन्होंने आर्किटेक्चर को ज्वाइन किया, तब से उन्होंने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. वो सिर्फ देखने से, क्लाइंट को देखने से और समझ जाते कि उनको क्या चाहिए होता है, क्या वो कैसा चीज़ मांग